चलिए बयान अभी भी हैं, दावे अभी भी हैं और इस बीच इंतजार भी है कि कौन सी सीट पर पहले नतीजा आता है, नतीजों में कौन खाता खोलेगा। बीजेपी ने रुझानों में खाता खोला था, अब नतीजों में कौन खाता खोलेगा, थोड़ी देर में इंतजार हमारा खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बार फिर से ग्राफिक्स के जरिए हम अपडेट पहुंचाएंगे आप तक, आपको बताएंगे आपकी सीट पर कौन आ गया, कौन पीछे है। सुदेश, बिल्कुल हमीरपुर आपको दिख रही होगी ये सीट, यहाँ पर आशीष शर्मा निर्दलीय आगे चल रहे हैं। इनके आगे रहने का एक बड़ा कारण है, उसका जिक्र हम करेंगे। फिलहाल हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी रणबीर का। रणबीर, क्या हो रहा है हिमाचल में, किस तरीके से यहाँ पर तस्वीर बदल रही है, कांग्रेस के दावे क्या सच साबित होंगे, रुझान क्या बता रहे हैं हिमाचल की सियासत के बारे में? देखिए सुदेश, रुझान तो यही बता रहे हैं कि इस बार भी वो रिवायत जो है कायम रहने वाला है। फिलहाल अभी ये कह सकते हैं, थोड़ा तस्वीरें भी यहाँ पर दर्शकों के साथ साझा करते हैं। रिज मैदान पर मैं हूँ, जरा देखिए यहाँ पर किस तरह का नजारा है, लोग कितने उत्सुक हैं, किस तरह से यहाँ पर जो है परिणाम सुनने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। ये निर्वाचन विभाग की तरफ से यहाँ पर स्क्रीन भी लगाई गई है और न्यूज 18 के माध्यम से जो है लगातार पल पल की अपडेट जो है पहुंच रही है। वापस आते हैं आज के जो रुझान है, देखिए करीब डेढ़ घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, शुरुआत भाजपा ने जिस तरह से की थी वो अब जो है कायम नहीं है। तो कुल मिलाकर अभी तक की अगर हम बात करें, जो कांग्रेस कह रही थी बार बार जो मुद्दों की बात कही, देखिए एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर हम बता दें वो यहाँ पर दिख रहा है, और दूसरा जो ओपीएस वो काम कर रहा है, बेरोजगारी वो मुद्दा काम कर रहा है, और जिस तरह से कैंपेन किया है कांग्रेस ने वो हमने देखा है कैंपेन में, कि किस तरह से मार्किंग की गई बाकायदा, जो लोकल लीडर्स हैं, जो हिमाचल के लीडर्स हैं, उन पर ज्यादा भरोसा जो है। हम तो वैसे बहुत बोल रहे हैं, जनता से पूछिए जो रुझान कह रही है वही कम से कम आज तो खुलकर बता दीजिए क्यों, कहां मोहर लगाई, क्या वजह रही। जी हाँ, यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, उनसे भी बात कर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित कुमार गुप्ता है। क्या लग रहा है रुझानों में कांग्रेस आगे है? बराबर बराबर की टक्कर है सर। नहीं, कांग्रेस आगे लग रही है, लग रही तो है वैसे। तो आपने अब तो बता दीजिए क्या आपने देखा वोट करते हुए? वोट करते हुए तो हमने देखा कि काफी टफ है इलेक्शन, बहुत टफ। अच्छा, आप अभी भी नहीं बता रहे? नहीं अभी भी, जब तक पूरे जहान नहीं आएंगे तब तक कैसे। मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा हमारा तो वैसे बेरोजगारी यहाँ ज्यादा, बेरोजगारी और रोड 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 सड़क। हाँ जी, आपका क्या नाम? पवन कुमार जी। हाँ, क्या देखकर वोट किया? ये जो महंगाई और रोजगारी और रोजगारी है, महंगाई है, और जैसे कि महंगाई ताबड़तोड़ थी और जो महंगाई बेरोजगारी। सर क्या नाम है आपका? कांग्रेस। कांग्रेस क्यों? कांग्रेस महंगाई इनकी हरी टोपी बता रही है, क्यों कहा कि कांग्रेस कांग्रेस यहाँ पर आपके पास आएंगे? क्योंकि रणबीर जिस तरीके से लोगों से पूछ रहे हैं और हम मुद्दों की क्योंकि सबसे पहले बात कर रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी ने क्योंकि स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा है और उन मुद्दों से जनता ज्यादा रिलेट कर पा रही है, और वही हम जनता की बात सुन भी रहे हैं। जिससे पहले आपने शुरुआत की थी कि लोग खुलकर नहीं बोल रहे थे ये चीज कि किसको वोट दिया है, या जो डिस्कशंस होता था इलेक्शन के बाद वो देखने को इस बार हिमाचल प्रदेश में नहीं मिला, और शायद यही वजह है कि लोग बहुत ज्यादा आउटस्पोकन इस चीज को लेकर नहीं है। तो पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं, और अपडेट में जो नजर आ रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं लीड लेते हुए नजर आ रही है। हालांकि ये फिलहाल रुझान है जो बदलते हुए नजर आएंगे, लेकिन इस बीच क्या कुछ हलचल रही, क्या कुछ बड़ा प्रदेश में घट रहा है, वो भी हेडलाइन के जरिए आपको एक बार बता देते हैं। रुक करेंगे हेडलाइंस का। नतीजों से रुझानों में कांग्रेस को बढ़त, 31 सीटों पर बीजेपी तो 33 सीटों के साथ कांग्रेस चल रही है आगे। नतीजों के बीच ओप ओवर में पहुंच रहे हैं बीजेपी नेता, सीएम जयराम से कर रहे हैं मुलाकात। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने 40 से ज्यादा सीटों का किया दावा, कहा बहुमत के साथ कांग्रेस की ही बनेगी सरकार। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हिमाचल में 68 मतगणना केंद्रों पर जारी है वोटों की गिनती, 412 उम्मीदवारों की किस्मत का हो रहा है फैसला।
सबसे तेज और सटीक नतीजों के लिए न्यूज 18 पर खास कवरेज जारी। सभी सीटों पर पल पल का हाल बताने के लिए न्यूज 18 के रिपोर्टर तैनात। जनादेश आप देख रहे हैं और पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर रुझानों की अभी तक बात करें और सुदेश पर रिवाज फिलहाल रुझानों के अकॉर्डिंग तो बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अब तक के रुझानों में कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। तो जिस दावे के साथ भाजपा यहां पर चुनाव लड़ रही थी और जिस वादे के साथ जिस परंपरा को तोड़ने की बात कही जा रही थी, वो परंपरा यहाँ पर टूटती हुई नजर नहीं आ रही है। तो दर्शकों को बड़ी खबर से रूबरू करवा रहे हैं कि किस तरीके से आंकड़ों का खेल यहाँ पर सियासत का खेल है। नालागढ़ से निर्दलीय केएल ठाकुर आगे हैं। केएल ठाकुर बड़ा नाम, टिकट नहीं मिला, निर्दलीय लड़े और अब रुझानों में आगे कांग्रेस 33 सीटों पर आगे तो बीजेपी 33 सीटों पर आगे चल रही, लेकिन किसी के पास भी रुझानों में भी बिल्कुल रुक करते हैं। हमारे सहयोगी पंकज का उनके साथ इस वक्त मौजूद है कोई मेहमान और उनसे बातचीत करेंगे। जी पंकज, देखिए कांग्रेस के चेहरे पे मुस्कान जो है वो आनी शुरू हो गई है। हिमाचल कांग्रेस के सह प्रभारी गुरकीरत सिंह कोटली मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि 5 साल बाद क्या कांग्रेस की वापसी होगी या फिर बीजेपी एक बार फिर से बाजी मारेगी। गुरकीरत सिंह कोटली से बात करते हैं। कोटली साहब, चेहरे पे मुस्कान नजर आ रही है, क्या रिपोर्ट क्या आपके पास? रिपोर्ट तो बड़ी अच्छी आ रही है। हाँ। अभी तो क्योंकि 2 राउंड्स की काउंटिंग जो है वो हुई है। हाँ। तो उसमें कांग्रेस ने अपनी बढ़त बढ़ा रखी है। हाँ। और हम पूरे कॉन्फिडेंट है, आश्वस्त है कि हमारी सरकार यहाँ हिमाचल में आएगी। सरकार बनी तो मुख्यमंत्री कौन, मुख्यमंत्री क्या इस बार राजपूत ही रहेगा या फिर राजपूत के अलावा मुकेश अग्निहोत्री भी दावा ठोक रहे हैं, किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? देखिए ये कलेक्टिव लीडरशिप का जो फैसला होगा और जो चुने हुए हमारे MLAs होंगे वो फैसला करेंगे कि किसको मुख्यमंत्री जो बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री की रेस में कौन है? सुखविंदर सुक्खू हैं, मुकेश अग्निहोत्री हैं, कोल सिंह ठाकुर हैं, प्रतिभा देवी सिंह हैं, किसको लगता है? नहीं, चलो क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास हमारी लीडरशिप बहुत मजबूत है, हमारी जो लाइन है लीडरशिप की वो बहुत बड़ी है, तो इसलिए हमारे पास बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो इस प्रदेश को लीड कर सकते हैं। तो इसलिए ये तो फैसला जो होगा वो हाईकमांड करेगी और हमारे जो विधायक हैं उनकी राय ली जाएगी। कह रहे हैं कि जो विधायक बनने जा रहे हैं उनको चंडीगढ़ बुलाया जा रहा है, भूपिंदर सिंह हुड्डा उनको चंडीगढ़ बुला रहे हैं, फिर दिल्ली लेके जाया जाएगा, कहीं खरीद फरोख्त शुरू ना हो जाए, इसलिए एक एक शख्स जो है उन तमाम लोगों के साथ लगा दिया गया है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम मिन्यूटली इसको वॉच कर रहे हैं, पर लेकिन क्योंकि आपको पता है कि अतीत में बीजेपी का ये फंडा रहा है कि वो किसी ना किसी तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, तो लेकिन हमारे जो हमारे विधायक और जो हमारे कैंडिडेट्स थे वो बड़े पुख्ता हैं और वो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी हमारा चुना हुआ विधायक इनके खेमे में इनसे ये भी पूछेगा। के बाद दिल्ली और चंडीगढ़ किस किस को बुलाया जा रहा है, कहा जा रहा है मुकेश सुगने, अब देखिए आगे आगे होता है क्या। पंकज जरा इनसे ये भी पूछेगा, मुझे लग रहा है कि हालांकि हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए और हम पूरे माहौल में जी, जी जी क्योंकि कोटली साहब ये दावा कर रहे हैं कि एकजुट होकर जो निर्णय लिया जाएगा उसके आधार पर ही मुख्यमंत्री का चयन होगा, लेकिन जो बयानबाजी इस वक्त हम देख रहे हैं मुकेश अग्निहोत्री अपने मैनेजमेंट में लगे हुए हैं, वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू एक बयान देते हैं सुदेश कि जो विधायक के लिए खड़ा हुआ है या जो विधायक जीतेगा वही मुख्यमंत्री की रेस में आगे जाएगा, प्रतिभा सिंह इसको लेकर काउंटर भी करती हैं, रिएक्ट भी करती हैं, और धनीराम शांडिल अपने मैनेजमेंट में लगे हुए हैं, डेटा मंगवाया जा रहा है प्रोफेसर चंद्र कुमार का, आशा कुमारी का, तो कहीं ना कहीं ये स्थितियां असमंजस की स्थिति तो पैदा कर रही है कांग्रेस पार्टी के लिए, फिर किस आधार पर कोटली साहब ये कह रहे हैं? पंकज पूछिए गुरकीरत कोटली जी से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप जीत का दावा कर रहे हैं लेकिन बिना चेहरे के मुख्यमंत्री, क्योंकि कांग्रेस मतलब हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह के नाम से जाना जाता था, अब कह रहे हैं कि मुकेश अग्निहोत्री ने अपना मैनेजमेंट करनी शुरू कर दी है, सुखविंदर सुक्खू ने अपनी मैनेजमेंट करनी शुरू कर दी, आपको लगता है कि ये आपसी मैनेजमेंट कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान करेगी, ये गुटबाजी नुकसान करेगी और ऐसे में पता चला बीजेपी आपके 4-5 विधायक तोड़कर ले जाएगी? देखिए ये हो ही नहीं सकता, कांग्रेस पार्टी में कभी भी मैनेजमेंट नहीं होती, और मैंने आपको जैसे पहले कहा कि हम कलेक्टिवली बैठेंगे, फैसला होगा और जो भी एक विकल्प निकल के आएगा वो इस
प्रदेश को लीड करेगा जी, तो ये पंकज इंतजार करेंगे। पहले तो ये होना चाहिए कि मैजिक नंबर तो हो कांग्रेस के पास, पहले 35 का आंकड़ा तो हो, ये रुझान है। एक बार फिर से आपको आंकड़ा बताएंगे, 31 बीजेपी, 33 पर कांग्रेस। और बड़ी खबर आ गई है इस बीच में।